नैनीताल जनपद में लोकसभा सामान्य निर्वाचन को लेकर दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए चलाए गए 3 दिवसीय मतदान अभियान में 90% वोटिंग हुई है। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन नोडल अधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि 3 दिवसीय घर जाकर पोस्टल बैलेट वोटिंग अभियान में अभी तक 90% वोटिंग हुई है, जिसमें कुल 1419 लोगों ने फॉर्म नंबर 12D का आवेदन कर पोस्टल बैलेट से मतदान करने के लिए आवेदन किया था, जिनके लिए प्रथम चरण में वोटिंग का अभियान चलाया गया है, जिसमें से अभी तक 1290 मतदाताओं द्वारा मतदान किया गया है। छूटे गए मतदाताओं को दूसरे चरण में घर घर जाकर पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कराया जाएगा। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो घर घर जाकर के मतदान किया जाना था, जिसमें दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को फैसिलिटेट करना था, उसमें 8 और 9 तारीख की रिपोर्ट आज हमारे पास है, जिसमें कुल 1419 मतदाताओं के द्वारा मतदान किया जाना था, जिसमें से 1290 मतदाताओं के द्वारा मतदान कर लिया गया है और ये हमारा 90% से थोड़ा ज़्यादा है और उम्मीद है कि आज की जो रिपोर्ट है 10 तारीख की, उसके बाद ये और प्रोग्रेस आपके साथ साझा कर दी जाएगी। जो छूट जाएंगे उनके लिए दूसरा चरण है 11, 12 और 13, उसका भी रूट चार्ट बना करके शेयर किया जाएगा, क्योंकि आज हमको पता चलेगा, हमारी टीमों को पता चलेगा कि कौन सा मतदाता रह गया, उसके बाद वो रूट चार्ट बना करके सभी पॉलिटिकल पार्टीज और प्रत्याशियों को अवगत करा करके फिर से वो करेंगे।